जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असिस्टेंट कमांडेंट 01/2023 बैच सिलेबस के बारे में। और ये जो सिलेबस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ये आपका ऑफिशियल सिलेबस होने वाला है। साथ ही आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने ये भर्ती की जानकारी आ जाएगी। पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की जानकारी दूंगा। तो ये जो आपकी भर्ती है ये आपके असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर निकाली है, जो कि अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर है। किसके लिए कितने पद है उसकी जानकारी अभी जारी नहीं हुई है, जैसे ही जारी होगी वो तो आपको मालूम चल जाएगा। बट अभी के लिए आप यहां पर ये जान लीजिए कि जो इसमें एप्लीकेशन फीस आपसे ली जाएगी वो यूआर ओबीसी से 250 रुपये ली जाएगी और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं होगी। ये फॉर्म आप लोग 16 फरवरी 2022 से लेकर के 26 फरवरी 2022 तक भर पाएंगे। इसके अलावा आप यहां पर चेक कर लीजिए कि कौन सी ब्रांच में अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, एज लिमिट क्या रहेगी और जो जेंडर है वो कौन कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर पाएगा। तो आपको यहाँ पर इस टेबल में अच्छे से जानकारी दी गई है। और वैसे मैंने इस संबंध में एलिजिबिलिटी को लेकर के एक अलग से वीडियो बना रखी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जो कि आप अभी वॉच कर रहे हो। अब चलिए बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। आपको बोला है कि दी स्टेज फर्स्ट वुड इंक्लूड कंडक्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द एलिजिबल एप्लीकेंट विच विल बी ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यानी कि यहाँ पर पहले जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। साथ ही आपको कहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट टू बी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ GD, PN, CPL, टेक्निकल, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेप्ट लो एंट्री। यानी कि जो लो एंट्री की पोस्ट है इसको छोड़ करके अन्य सभी पोस्ट पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, लो एंट्री की पोस्ट पर नहीं होगा। लो एंट्री कैंडिडेट्स एंड डिपार्टमेंटल प्रमोशन DP एंट्री कैंडिडेट्स, इसके ऊपर बेसिकली आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा जो यहाँ पर दो पोस्ट के नाम आपको दिए गए हैं। साथ ही आपको कहा कि दी स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन MCQ पैटर्न। यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है ये MCQ पैटर्न में होगा। यानी कि आपके इस टेस्ट के अंदर जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो होंगे, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम 400 मार्क्स दिए जाएंगे और आपके टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर आपको ये बोला है कि 4 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, यानी कि और वो जो आपकी निगेटिव मार्किंग है वो ये रहेगी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक नंबर कट किया जाएगा। और ये जानकर के मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है वो इस कला का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस कला को यहाँ पर दिखाएंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप इस कला के ऊपर कंट्रोल रखें। हाँ मैं मानता हूँ कि इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना काफ़ी मुश्किल है, बट फिर भी आपको कंट्रोल रखना होगा। जैसे कि वेलकम मूवी में उदय सेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल, यहाँ पर आपको आपका नाम रिप्लेस कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक आया कि दी ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 2 आवर। यानी कि जो आपका एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का रहेगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। और जो मीडियम रहेगा पेपर का वो आपका सिर्फ इंग्लिश होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश के अंदर ही आपका पेपर होगा। दी कैंडिडेट्स हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट, यानी कि यहाँ पर आपको एक टेस्ट देने होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कैसा टेस्ट आपको किस पोस्ट पर देना है। तो जो सेक्शन फर्स्ट है GD, PN, CPL, SSA वुमेन की पोस्ट का, इसमें दोस्तों सब्जेक्ट जो आपके रहेंगे टेस्ट के अंदर सेक्शन फर्स्ट में इंग्लिश होगा, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा, जनरल नॉलेज होगी। और आपको यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। बेसिकली प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन के लिए 4 नंबर।
और एग्जाम के लिए 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। फिर आएगा आपका सेक्शन 2 जो कि फॉर मैकेनिकल, यानी कि जो मैकेनिकल ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के लिए सेक्शन 2 होगा, अन्य के लिए नहीं होगा। इसमें जो आपके सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है और मैकेनिकल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके ऊपर के 4 सब्जेक्ट है इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 10-10 होने वाले हैं और उसके लिए आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। बट जो आपका मैकेनिकल है क्योंकि ये आपका मेन डिसिप्लिन है तो इससे आपके 60 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 240 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 400 नंबर दिए जाएंगे। एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे का ही समय मिलेगा, कोई सेक्शन वाइज टाइम नहीं है, आप किसी भी सेक्शन में कितना भी वक्त ले सकते हैं। फिर जो आपका सेक्शन 2 है ये होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इस ट्रेड के लिए, अन्य के लिए नहीं है। इसका जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, और यहाँ पर भी जो आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है इससे आपके 60 क्वेश्चन होंगे, यानी कि मेनली इस डिसिप्लिन से आपके 60 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर होंगे। तो यहाँ पर भी आपका सेम पैटर्न होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो जानकारी आपने जानी ये थी आपकी स्टेज फर्स्ट की, अब हम बात करेंगे स्टेज 2 के पैटर्न के बारे में। तो उसके पहले दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि जो आपके पासिंग मार्क्स रखे हैं स्टेज फर्स्ट में वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि जो आपका सेक्शन फर्स्ट है इन सभी डिसिप्लिन पर होने का, जो कि यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख ही सकते हैं, जो कि आपका टोटल 400 नंबर के लिए रहेगा, एग्जाम के अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल मिला करके आपके, अगर आप UR EWS OBC है तो 200 नंबर होने चाहिए तभी आप पास करेंगे, अगर आप SC ST है तो आपके 190 नंबर 400 में से होने चाहिए। इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज जो आपके पासिंग मार्क्स है वो UR EWS OBC में 50 है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 में से 50 नंबर तो आपके होने ही चाहिए। और इसी प्रकार से जो SC ST है इनके लिए 45 रखे गए हैं। देन यहाँ पर सेक्शन 2 में भी सेम है, टोटल आपके यहाँ पर 80 रखे गए हैं, बेसिकली यहाँ पर ये आपका टोटल ही दिया गया है 80-72। और फिर यहाँ पर जो आपका सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में भी आप इसी ही प्रकार से सेम जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको बोला कि ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन स्टेज फर्स्ट, यानी कि ऑल इंडिया बेस पर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर के, और जो लोग उसको क्वालिफाई करेंगे फिर उनको ही अगले राउंड में भेजा जाएगा। आपको बोला कि कैंडिडेट्स स्कोरिंग मोर मार्क्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट, कैंडिडेट्स ओल्डर इन एज विल बी हायर इन मेरिट, यानी कि अगर 2 कैंडिडेट के सेम नंबर होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर तो जिस कैंडिडेट की हायर एज होगी चाहे एक ही दिन क्यों ना बड़ा हो तो उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका स्टेज 2 होगा PSB, इसको कहा गया है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। इसमें आपको बोला कि बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस इन दी स्टेज फर्स्ट, यानी कि स्टेज फर्स्ट की परफॉर्मेंस के आधार पर कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपियरिंग इन स्टेज 2 PSB विच विल बी कंडक्टेड फॉर ए डे एट नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, यानी कि इन सेंटर पर यह आपका होने वाला है। कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन थ्रू कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो इसके द्वारा टेस्ट किए जाएंगे, CCBT इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है, एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट आपका होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में PPNDT कहा जाता है। दिस CCBT विल बी इन इंग्लिश ओनली, यानी कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होगा, एंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ड्यूरिंग PPNDT दी कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक एंड डिस्कस इन इंग्लिश, यानी कि जो भी कैंडिडेट इसके अंदर जाएंगे डिस्कशन में उनको इंग्लिश के अंदर ही बोलना होगा, हालांकि दे आर फ्री टू स्पीक इन हिंदी इफ दे विश टू डू, यानी कि उनको हिंदी में बोलने की भी इजाजत है अगर वो बोलना चाहते हैं, बट मेनली इनके कहने का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए बोलनी, इसलिए इन्होंने आपको इंग्लिश में बोलने की सलाह दी है, वैसे वो अगर चाहे तो हिंदी में भी बोल सकता है। दी स्टेज 2 एग्जामिनेशन इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें आपको पास या फिर फेल होना है, कोई नंबर आपको प्राप्त नहीं करने कि हाँ मुझे इतने हायर नंबर लाने हैं। फिर आपका यहाँ पर कैंडिडेट वेरीफिकेशन होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, स्टेज 3 आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होगा, स्टेज 2 में यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और फिर यहाँ पर आपका FSB होगा जो कि जुलाई से लेकर के अक्टूबर 2022 के
बीच में होगा। अभी यहाँ पर दोस्तों आपके मन में एक सवाल है जो कि काफी टाइम से है कि जो आपकी लॉ एंट्री की पोस्ट है इस पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, यानी कि क्या इस पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इसके बारे में जानकारी देता हूँ। आप यहाँ पर वैसे डायरेक्टली इन नंबर्स या इन ईमेल के ऊपर कॉल करके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के जानकारी ऑफिशियली भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया कि कौन सी पोस्ट पर जो आपका स्टेज 1, 2, 3, 4 जो भी है वो आपका किस टाइमिंग पर होगा। तो यहाँ पर जो आपकी ऊपर की ये पोस्ट है जो कि आप देख सकते हैं, इसमें आपका स्टेज 1 मार्च 2022 में होगा। बट जो आपकी लो एंट्री की पोस्ट है यहाँ पर स्टेज 1 में कोई भी डेट या फिर महीना नहीं दिया है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि इस पर आपका स्टेज 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, इस पर सिर्फ आपका स्टेज 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट लो एंट्री की पोस्ट पर नहीं होगा। तो ये आपने जानकारी जान ली है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।